आज मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है क्योंकि एक बॉलीवुड फैमिली है जो पिछले 20 सालों से भी ज़्यादा साल से मेरे पीछे पड़ी हुई है, और ये मेरी ना सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ पर पर्सनल लाइफ एज वेल एज़ फाइनेंशियल लाइफ पे बहुत सारा डैमेज कर रहे हैं. सो इट्स 360 डिग्रीज इन एवरी डिपार्टमेंट ऑफ माई लाइफ, राइट. तो बात यह है कि शत्रुघ्न सिन्हा मेरे पिताजी चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स पर माकन मिश्रा के अच्छे दोस्त होते थे यूनिवर्सिटी ऑफ पटना से. उनकी बीवी मेरे पिताजी की बोली बहन होती थी. मेरे को स्कूल से ही बॉलीवुड फिल्म्स के ऑफर्स आने लगे तो मेरे पापा पूनम को फ़ोन करके पूछते थे पूजा को करने दूँ क्या. तो उन्होंने उस समय भी इनडायरेक्टली मेरे करियर को रोकने की कोशिश की ये बोल के मेरे पापा को कि ओनली प्रोस्टिट्यूट्स एंटर बॉलीवुड और इतने बड़े हिपोक्रिट्स हैं आज अपनी बेटी सोनाक्षी को बॉलीवुड का हिस्सा बना के रखा है कि नहीं. पर जब मेरी बारी थी तो पत्ता काटने के लिए ऐसा बोला. इन एनी केस उसके बाद मेरे पापा ने उनके लिए करोड़ों के फेवर्स किए, ना सिर्फ उनके लिए, उनका जो फ्रेंड सर्कल है राजीव शुक्ला, अनुरंजन, शशि रंजन, पंकज उदास, सबके लिए मेरे पापा ने फेवर्स किए बिकॉज माई फादर वॉज अ वेरी गुड एंड जेनरस मैन, राइट. 2005 में मेरे पापा रिटायर होके पुणे चले गए. तब पूनम और शत्रुघ्न ओपनली मुझे ऑप्रेस करना उन्होंने शुरू कर दिया. मैं वीडियोकॉन गेस्ट हाउस में रहती थी, वहाँ जो अपार्टमेंट ऊपर था उसमें रात को तांत्रिक बैठा के काला जादू करना, मेरे फ़ोन को हैक करना, मेरा पीछा करना कि मैं किससे मिल रही हूँ, क्या काम मेरी और आ रहा है जिससे ये बीच में आके चुरा लें, क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने मेरे साथ. 35 मूवीज़ मेरी ख़राब कर दी जिनका मैं कुछ मूवीज़ का मैं नाम भी लूँगी. जिमी विद मेमो, दबंग विद सलमान खान, जिसम टू विद महेश भट्ट, मिर्जिया विद हर्षवर्धन कपूर, क्या कूल है हम पार्ट टू विद एकता कपूर. इन सब मूवीज़ के लिए मुझे कंसिडर किया जा रहा था. पर जहाँ भी शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा पिक्चर में आए मुझे मलिका बकरा बनाया जाएगा. और वही इन लोगों ने किया मेरे साथ 17 साल से, राइट. वन सेकेंड, कैन यू प्लीज कीप क्वाइट, साइलेंस. इट्स वेरी 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 डिस्टर्बिंग. बेसिकली सोनाक्षी सिन्हा तो फैशन डिजाइनर बनने वाली थी ना, वो बॉलीवुड का हिस्सा कैसे बन गए? बिकॉज बॉलीवुड वॉज सेंडिंग मी इन्यूमरेबल इन्विटेशंस टू बिकम अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री और ये बात पूनम और शत्रुघ्न देख नहीं पाए. आज मैं सिंगल हूँ, आई डोंट हैव अ बॉयफ्रेंड, आई एम नॉट मैरिड. क्यों? ऑल बिकॉज ऑफ शत्रुघ्न सिन्हा एंड पूनम सिन्हा. फोन हैक करके उन्होंने मेरी जैसे जिंदगी पे कब्जा कर रखा है. आप ही बताइए, देयर वर सो मेनी मैन हु यूज्ड टू यू नो लाइक मी, वांटेड टू गेट टू नो मी बेटर, बीच में आके सोनाक्षी को उनकी तरफ भेजना. यही किया शत्रुघ्न और पूनम ने इतने साल. इन एनी केस मूविंग राइट अलोंग, तो जब मुझे रिसेंटली पता चला कि अभी तक इन्होंने मेरा फ़ोन हैक कर रखा है, सो आई वॉज वेरी डिस्टर्ब, यू नो, कि अभी तक ये लोग अपना मोनोपोली मेंटेन करने के लिए ये सब कर रहे हैं. इनफैक्ट कैन यू इमेजिन, आई एम अ वेल ऑफ गर्ल, शत्रुघ्न सिन्हा हैज गॉट मी ऑन द रोड्स, फ़ोन हैक करके सब कुछ लूट लिया, कुछ नहीं दिया मुझे, नॉट इवन यू नो मेकिंग श्योर दैट आई एम मेंशनड एनीवेयर. मेरे सारे मीडिया कॉन्ट्रैक्ट्स टर्मिनेट करा देते थे इस डर में कि ये शत्रुघ्न सिन्हा जैसी फेमस बनेगी क्या, हमसे ज़्यादा फेमस बनेगी क्या. जब मैं इवेंट्स पे जाती थी, डायोरामा फिल्म फेस्टिवल, बिकॉज आई एम अ गुड ओरेटर, सबको बोल रखा था पूजा मिश्रा को माइक मत देना, इसे बोलने मत देना क्योंकि पापा बड़े हैं. आई मीन दिस इज लाइक, इजंट दिस जस्ट टू मच, एंड आई बीन लिविंग अंडर दिस प्रेशर फॉर सो मेनी ईयर्स. That's why it's about time that I spoke up, you know. अभी रिसेंटली एकता कपूर चाहती थी कि मैं लॉकअप का भाग बनूँ, कंगना रनावत चाहती थी कि मैं लॉकअप का भाग बनूँ. तो आपको पता है शशि रंजन और अनुरंजन
के थ्रू पूनम सिन्हा ने एकता कपूर को मैसेज भिजवाया कि पूजा मिश्रा को लॉकअप पे मत बुलाना, क्योंकि अगर वो लॉकअप पे आई वो शत्रुघ्न सिन्हा के सारे क्राइम्स और सिंस को एक्सपोज कर देगी. सो यू कैन जस्ट इमेजिन दैट टू व्हाट लेवल दीज पीपल आर डैमेजिंग एंड हार्मिंग माय करियर. यू नो, खुद तो अपनी बेटी के चार चार प्रोजेक्ट्स रिलीज पे हैं और मुझे पुणे में इन लोगों ने बैठा रखा है डरा धमका के. जब कुछ साल पहले मैं लाइव्स करती थी जिसमें मैं सबको एक्सपोज करती थी, जस्ट बिकॉज आई वॉज कॉलिंग आउट बुलीज, डू यू नो दे सेंट मी टू द रिहैबिलिटेशन सेंटर फोर्सफुली फॉर 6 long months. आई वॉज गिवन सच हैवी ड्यूटी पिल्स एंड इंजेक्शंस सो दैट सोनाक्षी सिन्हा कैन बी अ स्टार. आई वॉज सेंट टू द रिहैब. कैन यू इमेजिन इस लेवल के क्रिमिनल्स हैं ये लोग. एंड आपने जो किया है ना, योर कर्माज आर गोना कम एंड बाइट यू. बिग बॉस के बाद जब मैं इतनी फेमस हो गई थी कि मैं रोड पे नहीं चल पाती थी, इन लोगों ने मेरे को मेरे अपार्टमेंट से बैन कराया. करण जौहर ने मेरे को एक मूवी ऑफर की थी उस टाइम पे, दे मेड श्योर कि मुझे उसके बारे में पता ना चले. और अपनी बेटी को दो दो पिक्चरें करा रखी है करण जौहर के साथ. बट यू नो व्हाट, कर्मा इज अ बिच. दोनों मूवीज फ्लॉप हो गई. हुई कि नहीं? आप मेरे को ऑप्रेस करते जाइए और खुद अपनी बेटी को डेस्परेशन में स्टार बनाने की कोशिश करती जाइए, बट इट्स नॉट गोना हैपन बिकॉज इवेंचुअली थिंग्स आर गोना लेवल अप. तो आज मैं, जब मेरी मीम वायरल हुई पूजा व्हाट इज दिस बिहेवियर, आपको पता है इन लोगों ने कम से कम 50 ट्रोल अकाउंट्स बनाए और मेरे को डिफेम करना शुरू किया. पूजा मिश्रा एज अ ट्रांसजेंडर, पूजा मिश्रा एज अ ब्लोटिंग प्रॉब्लम, पूजा मिश्रा एज अ स्किज़ोफ्रेनिक, पूजा मिश्रा इज 45 ईयर्स ओल्ड व्हेन आई एम ओनली 35 ईयर्स ओल्ड. ओके, गलत आधार कार्ड फैब्रिकेट करके इन लोग ने हर जगह सर्क्यूलेट किया, प्रोफाइल पिक्चर बना ली गलत आधार कार्ड की. इतने ये लोग मीन्स लो स्टूप कर सकते हैं अपनी सुपीरियॉरिटी को मेंटेन करने के लिए, और सबको जाके बोल रहे हैं हम पूजा मिश्रा के मैनेजर हैं, क्योंकि वो अभी वायरल है, उसका मार्केट हॉट है, उसे डायरेक्टली मत अप्रोच करिए, हमारे थ्रू अप्रोच करिए, उसका काम हमें दीजिए, हम उसे देंगे. हमें पता है ना, वो मुझे देंगे, सोनाक्षी को देंगे. दे इज टू मैसेज एवरीबडी सेइंग दैट वी आर पूजा मिश्रा'स मैनेजर, यू कॉन्टैक्ट अस, डोंट कॉन्टैक्ट पूजा मिश्रा डायरेक्टली. अभी रिसेंटली मैंने एक क्राउड फंडिंग कैंपेन शुरू की जिसमें मैंने लोगों को रिक्वेस्ट किया, प्लीज हेल्प मी रेज फंड सो दैट आई कैन कम एंड वर्क इन बॉम्बे. आई हैव अ 2 BHK अपार्टमेंट इन बॉम्बे इन विच आई कांट स्टे बिकॉज शत्रुघ्न सिन्हा इज यूसर्प्ड इट, राइट? तो ये बात जब पूनम सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा को पता चली, द ग्रीडी पिग्स दैट दे आर, आपको पता है अगेन दे मेड ट्रोल अकाउंट्स और सबको मैसेज करें पूजा मिश्रा को डायरेक्टली डोनेशन मत भेजिए, हमारे थ्रू भेजिए, हमें दीजिए, हम पूजा मिश्रा को देंगे. आप मुझे कुछ देंगे, जो मेरा था वो भी आप यू नो खा गए. माय फादर लेफ्ट मी अ 15 lakh डायमंड रिंग एज अ सुवेनियर. ओके, आई वेंट टू गेट द डायमंड सर्टिफाइड, आई वॉन्टेड टू सेल इट. आपको पता है हैक्ड फोन के थ्रू जब मैं डायमंड को सर्टिफाई करा रही थी, शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा ने उस स्टोन को बदल दिया और मेरे को उस रिंग के लिए 1 lakh मिला जब मेरे को 15 lakh मिलना था. इस लेवल के ये लोग छिछोरे लोग हैं, पैरासाइट्स. सो यू कैन जस्ट इमेजिन दे विल स्टूप टू एनी लेवल टू मेक दैट डॉटर अ स्टार. सो मैम, आपने बताया कि शत्रुघ्न सिन्हा आपके अपार्टमेंट में ऊपर रहते थे, तो उनकी वजह से आपको किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, वो उसके बारे में कुछ बता. हाँ, जब मैं विंसर में रहती थी तो रात को जब मैं सोती थी तो शमशान की हड्डियाँ बजती थी. 4 बजे सुबह आके फ्लश मारते थे ये लोग इतनी ज़ोर ज़ोर से मुझे डराने के लिए. मैं बेचारी लड़कियाँ अकेले रह रही हूँ, आपको अपने, आप मेरे फैमिली फ्रेंड हैं, आपको मुझे खाना भेजना चाहिए, पूछना चाहिए कि पूजा बेटा यू ओके, कैन वी हेल्प यू. आप 4 बजे रात को आके फ्लश मार रहे हैं मुझे डरा धमका के दबाने के लिए. दैट्स नॉट ऑल,
मेरे घर में घुस के मेरी चीज़ें चुरा लेते थे। मेरे को आज भी याद है, मैं सिंगापुर गई थी, वहाँ मैं मॉल 4 बार गई, फिर मैंने एक अपने लिए वॉच खरीदी। मेरे घर में घुस के उस वॉच को चुरा के सोनाक्षी सिन्हा को वो वॉच पहना के उसकी फ़ोटो मिड डे में छापी थी शत्रुघ्न सिन्हा ने। इतने नीच हैं ये लोग। मेरे घर में घुस के चीज़ें चुराना, मेरी डोबेल के नीचे रख दिया था जिमी रंडी, कैन यू इमेजिन, वॉचमैन, और सबको बोलते थे इससे कायदे से बात मत करो, 5,000 वॉचमैन को देते थे मेरे को परेशान करने के लिए। मेरी गाड़ी विंडसर टावर्स के पार्किंग लॉट में पार्क थी भरी दोपहरिया में इन ब्रॉड डे लाइट, आदमी को भेज के विंडशील्ड पे पत्थर मार के मेरी गाड़ी तोड़वा दी। मैंने फिर बोला मैं कोर्ट जाऊंगी, मैंने इनके अगेंस्ट हाईकोर्ट केसेस लॉन्च कर रखे हैं। मैं कोर्ट जा रही थी, मेरे पे डेथ अटेम्प्ट कराया, इतना बड़ा ग्लास का पीस बिल्डिंग से रूफ से गिरवाया जब मैं चल के जा रही थी, क्योंकि मेरी गाड़ी तोड़ दी थी, कि वो ग्लास का पीस मुझ पे गिर जाए, मैं ख़त्म हो जाऊं। मेरे गाड़ी के ब्रेक्स फेल करवाए, मेरा सारा काम चुरा लिया, मेरे सारे मीडिया के कॉन्ट्रैक्ट्स तोड़वा दिए, जो भी लोग मेरे दोस्त थे मुझे पेज 3 पार्टीज के लिए इनवाइट करते थे सबको अपनी ओर खींचना शुरू किया शत्रुघ्न और पूनम ने, एलेक पदमसी हो गए, यू नो उनके साथ मैं प्लेज करती थी, तो सडनली शाहजान के साथ सोनाक्षी लैक्मे इंडिया फैशन वीक वॉक करी है। मेरे शो स्टॉपर्स चुराए, मेरे दोस्त चुराए, मेरे पैसे चुराए, मेरी चीज़ें चुराई, मेरे पे काला जादू कर करके मेरी तबीयत खराब की। कुछ भी बचा है जो इन लोगों ने मेरे साथ नहीं किया है? इज देयर एनी क्राइम दैट दे हैव नॉट कमिटेड? मेरा फ़ोन हैक किया। अच्छा, लोग बोलते हैं कि पूजा आपने अपना फ़ोन क्यों नहीं बदला? क्या आपको पता है 17 साल में मैंने 35 to 50 हैंडसेट्स बदले हैं, 20 to 25 सिम कार्ड्स बदले हैं। मुझे आज भी याद है, मैंने एक नया फ़ोन खरीदा था और नया सिम कार्ड खरीदा था विंडसर में, और रात को मैं उसे अपने ब्रा में रख के सो गई कि भाई यहाँ तो कोई नहीं छुपाएगा। सुबह मैं उठी हूँ, वो फ़ोन टूटा हुआ मेरे बिस्तर पे पड़ा हुआ था विदाउट एनी सिम कार्ड। रात को मेरे घर में घुस के मेरा फ़ोन तोड़ दिया मेरे ब्रा से निकाल के। इस तरह के ये लोग दरिंदे हैं, दे आर नॉट ह्यूमन, दे आर डेमोनिक। फिर अभी रिसेंटली पुणे में मैंने एक नया फ़ोन और सिम कार्ड खरीदने में गई थी शॉप में, तो मेरी पजेरो को टो कराने लगे, सडनली टोइंग वाला आदमी आया, मेरी गाड़ी टो करने लगा, क्योंकि मैं मोबाइल बदलना चाह रही थी, सिम कार्ड बदलना चाह रही थी। तो घेर के जो मुझे इन्होंने बुली किया है, स्टॉक करते थे, अभी भी करते हैं, कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, जैसे वो बीच में आके चुरा लें। जैसे आपको बताया क्राउड फंडिंग कैंपेन में बीच में आके पैसे चुराने की लालच, जब मैं वायरल हूँ मेरा काम चुराने की लालच बाय पोजिंग एज माई मैनेजर। इतनी लालच इन लोगों में भरी हुई है, माय गॉड, विथ सच बैड कर्मास, ओनली गॉड नोज हाउ बैडली यू गोना रॉट इन हेल। तो मैम आपने मेंशन किया, और यही नहीं, विंडसर में ये सेक्स स्कैम चलाते थे, मेरे को ड्रग करके मेरी बॉडी को ट्रेड करते थे सोनाक्षी सिन्हा को स्टार बनाने के लिए और पैसे कमाने के लिए। दे ट्रेडेड माई वर्जिनिटी शत्रुघ्न एंड पूनम, कैन यू इमेजिन? इतने बड़े बड़े क्राइम्स किए ना इन लोगों ने, एंड आई एम जस्ट वेटिंग, आई एम वेटिंग फॉर गॉड टू यू नो मेक देम रीप व्हाट दे हैव सोन। सो मैम आपने मेंशन किया कि पे काला जादू होता था, तो हाँ, किस तरह का काला जादू था उसके बारे में थोड़ा? देखिए, पूनम सिन्हा एक विच है, शी इज अ विच, वो ये सब बहुत करती हैं, टोटका, काला जादू, गुड़िया बना रखी है मेरी, उसमें नीडल्स डालना कि मेरे को ख़त्म करके दबा के बेरी कर दिया, दफना दिया, यू नो। पूनम सिन्हा इज़ फेमस फॉर दिस, खुद करती है, दूसरों से करवाती है। अभी रिसेंटली मुझे डेंगू हो गया था दिवाली के टाइम लास्ट ईयर, क्योंकि आई वॉज रियली वर्किंग आउट, आई वॉज डूइंग लाइव्स इन बिकिनीज। उसकी खुद की बेटी तो पतली नहीं हो सकती है, क्योंकि वो अपना मुंह बंद नहीं कर सकती, खाना ठूसती रहती है उसमें। तो और लोग जिनकी अच्छी बॉडी है, जिसके लिए वो रोज़ जिम जा रहे हैं, मेहनत करें, उनको डेंगू दिला दो। ये है इनकी मेंटालिटी, खुद के खोटे सिक्के को चलाने के लिए दूसरों को परेशान करते रहो। और कोई भी इंसान
इतना सब सहने के बाद यू नो आज यहाँ बैठ के अपनी कहानी नहीं बता रहा होता। और आज मैं आपको अपनी कहानी इसलिए बता रही हूँ, सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि एक सुबह सुशांत सिंह राजपूत मरा हुआ पाया गया, वो बेजुबान इंसान, उसकी कहानी कोई नहीं जानता है कि वो क्यों मरा हुआ पाया गया। कल अगर मुझे कुछ होता है, कम से कम आपको मेरी कहानी तो पता है कि कौन क्या कर रहा था मेरे साथ। दैट्स व्हाई यू नो आई वांटेड टू टॉक अबाउट इट। सो ये काला जादू का किस तरह का इफेक्ट पड़ा आप पे? मेरे को सबसे पहले तो उन्होंने मेरे पेट पे कीले मरवाए, मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम को हैम्पर किया। ये पूनम ने किया और ये इसलिए किया बिकॉज शी इज एक्सट्रीमली जेलस ऑफ मी हैविंग अ हेल्दी यू नो बॉडी, हैविंग अ हेल्दी सेक्स लाइफ। बहुत जलते हैं क्योंकि अगर मेरे को बॉयफ्रेंड मिल गया या अगर मेरी शादी हो गई तो हाथ से सोने की चिड़िया तो निकल जाएगी ना, किसको टूल की तरह यूज करेगी सोनाक्षी को स्टार बनाने के लिए और काम दिलाने के लिए। तो इस तरह से इन लोगों ने मुझे ट्रैप करके रखा हुआ है। और ये काला जादू बहुत ही हार्मफुल होता है। ये चिन्नमस्ती माता के मंदिर जाती है, वहाँ पर इसने मरण क्रिया की थी मेरे पापा पे, एक ऐसा इंसान जिसने जिंदगी भर इन लोगों को सिर्फ दिया है। ही वॉज अ गिवर नॉट अ टेकर, यू अंडरस्टैंड। तो जब वो उन पे मरण क्रिया कर सकती है तो ये औरत पैसा फेम और पावर के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। एंड शी डज वेरी बैड ब्लैक मैजिक। लोग कहते हैं आप मत बोलो, फिर से कर देगी। आई एम नॉट स्केर्ड। 17 साल में मेरी कितनी हड्डियां तोड़ी हैं, कितनी बीमारियां मुझे दी हैं। यू नो मुझे चिकन पॉक्स हो गया था इजिप्ट जाने से पहले, उसने किया था कि मैं ना जा पाऊं। दे डोंट लेट मी ट्रैवल अब्रॉड। आई हैव गॉट सो मच ऑफ फैन फॉलोइंग इन इंग्लैंड, इन यूरोप, इन अमेरिका। आई कैन कॉन्फिडेंटली से आई एम मोर फेमस देन सोनाक्षी सिन्हा ओवरसीज, क्योंकि वो वहां पर बॉलीवुड फिल्म्स नहीं देखते पर इंटरनेट पे जाके पूजा व्हाट इज दिस बिहेवियर वायरल मीम जरूर देखते हैं। ओके ये बात इन लोग को हजम नहीं हो पा रही है बट यू नो पूजा को इतना दबाया, इतना काला जादू किया तब भी वो वर्ल्ड फेमस हो गए। तो बेसिकली आप कहना चाहते हो कि आप उस काले घेरे में आ चुकी थी। तो आपको कब पता चला कि आप इससे बाहर आ रही हो और ये सब उनकी फैमिली ने किया हुआ है? देखिए जहाँ पर इतनी नेगेटिविटी और डिवियसनेस है वहाँ पर इंसानियत भी है। कुछ अच्छे वेलविशर्स ने मुझे सारी बातें आके बता दी कि ये सब शत्रुघ्न सिन्हा करा रहा था। ही इज़ अ पोलिटिकल पारिया हु चेंजेस हिज पार्टी एवरी अदर डे, और आपको इसने अपने पॉलिटिकल एजेंडा का भाग बनाया। इसकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी थी कि आप और सलमान खान कहीं मिल ना जाए, क्योंकि सलमान खान ने इसकी बेटी का करियर बनाने में बहुत मदद की है। तो इसे हमेशा ये डर सताता था कि कहीं सलमान खान आपका मेंटोर ना बन जाए, पूजा मिश्रा का मेंटोर ना बन जाए। उसीलिए इसने मुझ पे काला जादू किया जब मैं सलमान खान के साथ शूट करने वाली थी। इसने मुझसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई ये बोलते हुए कि सलमान खान और उसके भाइयों ने मेरा एडवांटेज लिया। ये सब इसके पॉलिटिकल मूव्स थे, मेरा पता काटने के लिए और मुझे सलमान खान की बैड बुक्स में लाने के लिए। व्हेन आई लव सलमान खान, आई लव हिम टू बिट्स, और मैं ये बात 1000 बार बोलूंगी। तो आपने मेंशन किया सलमान खान को, तो 2018 वाले सलमान खान के साथ, मतलब 2018 के टाइम सलमान खान वाले ह्यूमर्स को क्लियरिफाई करके अगर आपको चांस मिलता है सो आप क्या करना चाहोगे? डेफिनेटली आई हैव ऑलरेडी अपोलोजाइज्ड टू सलमान खान एंड आई वांट टू अपोलोजाइज वंस अगेन। आई वाज अ विक्टिम ऑफ शत्रुघ्न सिन्हाज फिल्थी एंड करप्ट पॉलिटिकल एजेंडा। मैं बेचारी अकेली लड़की, मुझे घेर के ये सब करवाया गया। अपनी इनसिक्योरिटी को हटाने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा ने ये सब करवाया गया। सो आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी एंड यू नो प्रोबेबली गिव अनदर अपॉर्चुनिटी टू मी टू शेयर द फ्रेम विद यू, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन योर आर्डेंट फैन। ये बात मैंने कभी नहीं छुपाई है और शायद मैं आपको इतना पसंद करती हूँ उसीलिए ये लोग इतने इनसिक्योर हैं और आपकी रैपो मेरे साथ खराब करने के लिए इन्होंने कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ा।
सो लास्ट क्वेश्चन मैम, आफ्टर बिग बॉस सब ठीक था तो उसके बाद ऐसा क्या होना स्टार्ट हुआ कि ये सब आपके साथ? देखिए बिग बॉस में मुझे बहुत पसंद किया गया और बिग बॉस मेरे लिए बहुत मुश्किल था. जब मैंने बिग बॉस को एंटर किया तो पूनम सिन्हा, टिमी नारंग और ईशा कोपिकर, इन्होंने मिल के वहाँ पर बूबी ट्रैप बना रखा था, एक कंस्पिरेसी करके रखा था, ऑलरेडी रेडी रखा था कि पूजा मिश्रा इस शो पे आई, पूजा बेदी को ऑलरेडी ब्रीफ करके भेजा गया था कि शो पे हर जगह बोलो पूजा मिश्रा इज गॉट अ मेंटल इलनेस, पूरी दुनिया में ये बात फैला दो रूमर्स कि पूजा मिश्रा इज क्रेजी एंड दिस दैट शी इज अ साइको. ओके, और यही बात शत्रुघ्न सिन्हा ने फिर से की जब मेरी मीम वायरल हो गई, 1000 ट्रोल अकाउंट्स बना के रोज एक नया रूमर स्प्रेड करता है ये आदमी कि हर तरीके से पूजा मिश्रा बदनाम रहे. आई विल बी फाइलिंग अ सेपरेट डेफोमेशन केस. ओके, ओवर अ 10 years or 17 years द अमाउंट ऑफ मीडिया कॉन्ट्रैक्ट शत्रुघ्न सिन्हा एंड पूनम सिन्हा हैव गॉटन टर्मिनेटेड because of which I got nervous breakdowns because I used to live alone in Bombay. They're going to have to pay compensation for all the defamation and problems that they've created between me and the media. Main chhodungi nahi aap logo ko. Aap log ne samajh kya rakha hai mujhe. So last mein jaate jaate ye dekhne wale audience aur aapke fans ke liye aap kya bolna chahoge? मैं बस लोगों से ये बोलना चाहूँगी दैट प्लीज़ कॉन्ट्रीब्यूट टू माई क्राउड फंडिंग कैंपेन, जिससे मैं भी बॉम्बे वापस आकर काम करूँ. आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, आई एम स्टैग्नेटिंग इन पुणे, ईयर्स आर जस्ट रोलिंग बाय, यू नो टाइम डजन वेट फॉर एनीबडी. सो यू कैन पेटीएम मी डायरेक्टली ऑन 9689697033 और यू कैन पेपैल मी on paypal.me/PoojaMishraPune. मैं आपको ये सब इस इंटरव्यू में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली आपको नहीं बताऊँगी तो शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा बीच में आके पैसे लेके चले जाएंगे, लाइक दे ऑलवेज हैव. दे आर द वंस हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मी बींग ऑन द स्ट्रीट्स, दे आर द वंस हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेस्टिंग सो मेनी प्रेशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ, दे आर द वंस हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलिंग माई रैपो विथ ऑल द पीपल आई लव एंड अडोर. सो यू नो इट्स अबाउट टाइम द होल वर्ल्ड न्यू. और जाते जाते मैं ममता बैनर्जी को एक अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप ये इंटरव्यू देखें जिसमें मैं आपको ज़रूर टैग करूँगी जब ये रिलीज होगा, और समझें कि शत्रुघ्न सिन्हा जैसा करप्ट आदमी, ही डजंट डिजर्व पावर, बिकॉज इफ यू मेक द करप्ट मोर पावरफुल दे विल मेक द लाइव्स ऑफ इनोसेंट पीपल लाइक मी इवन वर्स. तो आप प्लीज रिकंसिडर करिए और उसे अपनी पार्टी से किक आउट करिए, बिकॉज ही डजंट डिजर्व अ चेयर. बिकॉज यू नो लाइक जॉन एफ कैनेडी सेड, व्हेन यू सिट ऑन अ चेयर ईदर यू बी लिटल इट और यू एनहांस इट. But this man will only be little. So don't give him the chair in the first place. Thank you.